सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन कर आज के पत्रकार परिषद को हम प्रारंभ करते हैं। हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मैं श्री कार्तिक साळुंके आप सभी का, सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले 11 वर्षों से हिंदू जनजागृति समिति अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन कर रही है। इस अधिवेशन का परिणाम हम सभी देख रहे हैं कि आज जन जन तक, आज सभी के मन में हिंदू राष्ट्र के विचार आ रहे हैं और इसके लिए सभी मांग भी सभी जगह से उठ रही है। इस वर्ष भी 16 जून से 22 जून इस कालावधि में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन फोंडा गोवा में किया गया है। तो इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या है, इसकी हिंदू राष्ट्र अधिवेशन की मुख्य भूमिका क्या है, इस विषय में आज हमें इस पत्रकार परिषद के माध्यम से संबोधन होने वाला है। इस पत्रकार परिषद में हमें संबोधन करने हेतु आज वक्ता के रूप में उपस्थित है सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजन जी, हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत सदगुरु नीलेश सिंहबाल जी, हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी तथा हिंदू विधिज्ञ परिषद के गोवा राज्य सचिव श्री नागेश जोशी जी, अधिवक्ता नागेश जोशी जी। मैं समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी से विनती करता हूं कि वो आज के इस पत्रकार परिषद में अधिवेशन की मुख्य भूमिका क्या है वो रखने का प्रयास करें। नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत तथा आप सभी का सहयोग पिछले 11 वर्षों से हमें प्राप्त हो रहा है इस अधिवेशन के रूप में, और इसी क्रम में ये जो अधिवेशन इस वर्ष होने वाला है तो इस अधिवेशन की भी कई सारी विशेषताएं हैं और उसी दृष्टिकोण से आज आपको संबोधित करने के लिए हम यहां पर उपस्थित हैं। जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि सिनेमा यह एक अभिव्यक्ति होती है और समाज में जो हो रहा है, समाज की जो परिस्थितियां है उसका चित्रण उसके द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए थे वो द कश्मीर फाइल्स इस सिनेमा ने लोगों के सामने लाए, उसकी सराहना हुई और लोगों के सामने कई सारे ऐसी चीजें आ गई कि जो आज तक कहीं पर नहीं थी, अप्रकाशित थी। उसी प्रकार से लव जिहाद के बारे में तो ये कहा जाता था, लव जिहाद के बारे में हिंदू जन जागृति समिति यह संगठन पहला संगठन है कि जिसने भारत में अधिकृत रूप से लव जिहाद का विषय, यह मुद्दा लोगों के सामने रखा। इस विषय के बारे में करीब करीब आज से 20 साल पहले भारत की पहली लव जिहाद की पुस्तक हिंदू जन जागृति समिति ने ही लोगों के सामने लाई और आज हम देख रहे हैं कि इसी आधार पर द केरला स्टोरी इस नाम से एक फिल्म बनी, उसी का बहुत बड़ी मात्रा में भारत में स्वागत भी हुआ, कई मात्रा में विरोध भी हुआ, लेकिन ये एक अलग तरीके का आक्रमण चल रहा है भारत में, ये वास्तविकता तो लोगों के सामने आ गई और हम ये चाहते हैं कि इसी माध्यम से ये ऐसी घटनाएं केवल केरल में हुई है, केवल कश्मीर में हुई है, ऐसे नहीं है। तो गोवा के इतिहास का यदि हम उदाहरण देखेंगे तो गोवा में जो यहां पर पुर्तगाली शासन था उस शासन के कार्यकाल में यहां पर जो अत्याचार हुए इंक्विजिशन के नाम पर हुए, तो क्यों ना ये अत्याचार भी आज की पीढ़ी को, गोवा की पीढ़ी को, भारत में रहने वाले बाकी सभी को ये पता चले कि किस प्रकार से उस समय पर अत्याचार हुए
और जब अत्याचारों की सीमा ध्यान में आती है तो हमें अपनी राष्ट्र का, अपने धर्म का महत्व समझ में आता है। और इसलिए इस अधिवेशन में एक चर्चा यह भी होने वाली है कि यदि कश्मीर फाइल्स की आवश्यकता का स्वीकार भारत ने किया, यदि केरला स्टोरी का स्वीकार भारत ने किया, तो क्यों ना द गोवा फाइल्स भी होना चाहिए। और इसलिए इस विषय पर इस अधिवेशन में केवल चर्चा ही नहीं होगी तो इस दृष्टिकोण से आगे क्या करना होगा, यह चर्चा भी इस अधिवेशन में होने वाली है। और ये जो हमने देखा कि कई सारी जगह पर आज ईसाई देशों में, पेरू में इंक्विजिशन का म्यूजियम है, लीमा में इंक्विजिशन का म्यूजियम है, ब्राजील में इंक्विजिशन का म्यूजियम है, खुद पुर्तगाल में इंक्विजिशन का म्यूजियम है, स्पेन में पुर्तगाल का इंक्विजिशन का म्यूजियम है, यदि इन सब ईसाई देशों में इंक्विजिशन का म्यूजियम है तो फिर यह इंक्विजिशन का म्यूजियम गोवा में क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इतिहास का अर्थ होता है जो घटित हुआ वैसे ही, तो जो घटित हुआ है उसको आज की पीढ़ी के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने क्यों ना रखा जाए। तो इसलिए हमने सरकार से ये मांग भी की है। और जब ये होगा तभी भारत में रहने वाले जो हमारे भारतीय बंधु है तो उनको गोवा की विशेषता ध्यान में आएगी कि गोवा के लोगों ने जो स्वतंत्रता हासिल की, उसके लिए जो प्रयास किए, तो किन हालातों में उन्होंने ये प्रयास किए थे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए मैं गोवा के सरकार का दो दृष्टिकोण से अभिनंदन करना चाहूंगा। सबसे पहले सप्तकोटेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ, कि जो मंदिर एक समय में मुगल काल में भी उसको ध्वस्त किया गया था और फिर पुर्तगाल समय में भी उसको ध्वस्त किया गया था, एक बार उसका जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया और अब उसका जीर्णोद्धार गोवा के सरकार ने किया, तो एक बहुत बड़ी बात है इस दृष्टिकोण से। और दूसरा कि गोवा में जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, कुंकर्ली का लड़ाई, कुंकर्ली का जो एक जिसको हम कहेंगे कि मुक्ति संग्राम, तो उसका पाठ्यक्रम में पहली बार समावेश किया गया। यानी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमने यहां की विदेशी सत्ता को कैसे यहां से बाहर निकाला, इसका इतिहास हमारे पाठ्यक्रम में आने के लिए 50 साल से ज्यादा समय जाना पड़ा। तो 50 साल से अधिक समय गोवा की स्वतंत्रता को हुए है और एक इतिहास हमारे पुस्तकों में आने के लिए 50 साल से ज्यादा समय लगता है, तो मुझे लगता है इसको थोड़ा स्पीड अप करने की आवश्यकता। और इसलिए ये म्यूजियम की आवश्यकता, ये गोवा फाइल्स की आवश्यकता इसी दृष्टिकोण से है। यदि वो इतिहास का एक पन्ना हमारे पाठ्यक्रम में आकर के हमारे जो आज की पीढ़ी है उसको अपने जो बुजुर्ग है या अपनी जो यहाँ के वंशज है, तो उन्होंने या पुरखे है कि जिन्होंने यहाँ की स्वतंत्रता के लिए क्या किया, उसका अभिमान व्यक्त होता है, तो उसी दृष्टिकोण से यह अभिमान व्यक्त होना चाहिए। इसलिए ये जो 16 जून से 22 जून तक ये अधिवेशन रामनाथी देवस्थान फोंडा गोवा में होने वाला है, तो इसमें इसी प्रकार से कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं होगी, कई सारे विषय उसमें होने वाले हैं। और इस दृष्टिकोण से ये जो अधिवेशन है इसकी हमेशा ये हिंदू राष्ट्र अधिवेशन रहता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, तो यदि वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए या डिसमेंटल करने के लिए प्रयास होता है, तो इस दृष्टिकोण से इस अधिवेशन का जो नाम है वो हमने वैश्विक हिंदू महोत्सव रखा है, क्योंकि यह भी विश्व के हिंदुओं की बात करने वाला है, उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से कौन सी चीजों की आवश्यकता है। आज हम भारत की स्वतंत्रता को हम देख रहे हैं कि 75 वर्ष उसको पूरे हो रहे हैं, लेकिन साथ में आर्टिकल 370 हटाया गया, लेकिन कश्मीर का हिंदू कहां वहां पर पुनर्स्थापित हुआ। आज हम देख रहे हैं कि एक श्रद्धा वालकर की घटना सामने आ गई, लेकिन लव जिहाद का समस्या नहीं रुकी। फिर चाहे साक्षी की घटना हुई हो, अनुराधा की घटना हुई, या आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे
ट्राइबल प्रदेशों में भी लव जिहाद बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है, और उसके द्वारा जो ट्राइबल्स लोगों की जमीन है उसके ऊपर कब्जा करने का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का षड्यंत्र सामने आया है। आज मणिपुर किस हालात में है, नागालैंड किस हालात में है, यह भी हम देख रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक डॉक्यूमेंट सबके सामने आया, और ये जो विजन 2047 का डॉक्यूमेंट है कि 2047 में भारत को इस्लामिक देश बनाना है, ये आज डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंटेड सारे एविडेंस सामने आ रहे हैं। एनआईए के सब जगह पर छापे हो रही है कि जिसके अंदर कई सारे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है। और इसका प्रारंभ यदि हम देखेंगे कि केरल में जो वामपंथी मुख्यमंत्री थे वहां के वीएस अच्युतानंदन, उन्होंने कहा था कि वहां पर कुछ संगठन केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ वर्ष पूर्व केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात चल रही थी, आज वो पूरे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का षड्यंत्र यदि कर रहे हैं तो उसका उत्तर कुछ तो होना चाहिए, और ये उत्तर हिंदू राष्ट्र ही हो सकता है, क्योंकि हिंदू एकमात्र विश्व का धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास रखता है, जो विश्व बंधुत्व की संकल्पना में विश्वास रखता है, और इसलिए हिंदू राष्ट्र ये सभी के दृष्टिकोण से एक आदर्श राष्ट्र या आदर्श राज्य व्यवस्था हो सकती है। इसलिए इस अधिवेशन में हम प्रयास करेंगे कि ये अधिवेशन इस दृष्टिकोण से चर्चा करें। तो इस अधिवेशन के संदर्भ में आगे की जानकारी देने के लिए सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस जी, उनको मैं विनती करता हूँ। सभी को नमस्कार। प्रतिवर्ष गोवा में जो अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र महोत्सव अधिवेशन होता है, तो हर साल हम एक समान कृति कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं, और पिछले वर्ष हमने जब अधिवेशन हुआ था उस समय हमने मंदिर संस्कृति रक्षा अभियान यह एक समान कृति कार्यक्रम सुनिश्चित किया था। पूरे भारत में इसको कार्यान्वित करने का भी हमने प्रयास किया। अच्छी उपलब्धि यह रही कि गोवा में हमने 12 नवंबर 2022 को ओमन तक मंदिर महासंघ के माध्यम से यहाँ मंदिर विश्वस्तों की, मंदिर प्रतिनिधियों की बैठक की। महाराष्ट्र में जलगांव में 4 और 5 फरवरी को महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद का आयोजन किया गया। इसमें 373 मंदिर, तो महाराष्ट्र के पौराणिक मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, अष्टविनायक है, इन सभी प्रतिनिधियों के साथ साथ हमने यह परिषद का आयोजन किया था। और इसके माध्यम से पूरे भारत में मंदिरों में वस्त्र संहिता, सात्विक वस्त्र संहिता अर्थात सात्विक ड्रेस कोड लागू करने का हमने एक निर्णय लिया। मुझे बताने में आनंद हो रहा है कि महाराष्ट्र में पिछले 15 दिनों में 131 मंदिरों में सात्विक ड्रेस कोड यानी सात्विक वस्त्र संहिता लागू हुई है। महाराष्ट्र से एक प्रकार से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून, इन तीन शहरों में कुछ मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू हुई है। आगरा और मथुरा के सुप्रसिद्ध मंदिरों में वस्त्र संहिता लागू हुई है। तो इस प्रकार से ज्योत से ज्योत लगाओ, इस प्रकार से वस्त्र संहिता, सात्विक वस्त्र संहिता पूरे महाराष्ट्र में के बाद पूरे भारत में लागू होना शुरू हो गया है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि भविष्य में यानी इस वर्ष कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में हम इसी प्रकार से मंदिर परिषदों का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मंदिर के प्रतिनिधि अर्थात मंदिरों के विश्वस्त यानी ट्रस्टीज, पुजारी तथा मंदिरों के व्यवस्थापक, इन सबको एकत्रित लाकर वहां मंदिरों के उत्कर्ष के लिए कार्य करने का हमारा प्रयास जो है वो जारी रहेगा। आगे की जानकारी हमें हिंदू धर्म, हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत श्री सदगुरु नीलेश सिंह भाई जी हमें देंगे। उपस्थित सभी पत्रकार बंधु भगिनियों का हार्दिक स्वागत और आप सभी को नमस्कार। ये जो अभी वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव गोवा में आयोजित हो रहा है, 16 से 22 जून के कालावधि में ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव रहेगा।
और इस वैश्विक महोत्सव में भारत के साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। भारत के 28 राज्यों से लगभग 350 हिंदू संगठनों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों को इस अधिवेशन में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, उन्हें निमंत्रित किया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि बड़े उत्साह से इस बार बड़ी संख्या में बड़े उत्साह से हिंदू तनिष्ठ देश विदेश से इस अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले हैं। इस अधिवेशन में कुछ गणमान्य हिंदू तनिष्ठ भी सम्मिलित होने वाले हैं, जैसे स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के नाती श्री रणजीत सावरकर जी, काशी ज्ञानवापी मुक्ति संग्राम को लड़ने वाले, कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी, तेलंगाना के हिंदुत्वनिष्ठ विधायक श्री टी राजा सिंह जी, हिंदू इकोसिस्टम के दिल्ली से संस्थापक श्री कपिल मिश्र जी, विश्व हिंदू परिषद के संपर्क प्रमुख धर्माचार्य हरिभक्त परायण जनार्दन महाराज मेटे जी, भारत माता के जय संगठन के श्री सुभाष वेलिंगकर जी और इनके साथ साथ कई पूरे देश भर के उद्योगपति, विचारक, लेखक, अधिवक्ता और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कई जो लोग हैं तथा सामाजिक, राष्ट्रीय एवं धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कई आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर, इसके राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी हिंदू संगठनों के एकत्रीकरण के हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का गठन करने का प्रयास इस अधिवेशन के माध्यम से किया जाएगा। यानी पूरे देश भर में जो हिंदुत्ववादी संगठन है इनका कहीं ना कहीं तो एकत्रीकरण किया जाए, इनकी एक समन्वय समिति स्थापित किया जाए, एक कोऑर्डिनेशन समिति स्थापित किया जाए, इसके लिए इस अधिवेशन के माध्यम से प्रयास किया जाएगा, इसका नियोजन किया जाएगा। और समान कृति कार्यक्रम जो है कॉमन एजेंडा को तय करने के लिए ग्रुप डिस्कशंस के माध्यम से, गुट चर्चाओं के माध्यम से कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे जो अपने अपने राज्य स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में आगे चलकर की योजनाबद्ध रीति से उसको कार्य को हाथ में लिया जाएगा, जिसमें लव जिहाद है, लव जिहाद की भयावहता तो हम सब जानते ही हैं, कई सारे प्रकरण आज सामने आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली में साक्षी नाम की लड़की की बहुत निर्मम हत्या हो गई और ये जो भयावहता वो केरल स्टोरी नाम की पिक्चर ने सभी के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ हलाल सर्टिफिकेशन ये जो चल रहा है, यानी धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म के नाम पर एक सर्टिफिकेट दी जा रही है और इस सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत की अर्थव्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। हिंदू समाज के संवैधानिक अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, हमारे कंज्यूमर राइट्स हो, इसके लिए कड़ी चुनौती दी जा रही है और हिंदू जनजागृति समिति हलाल सर्टिफिकेशन के संदर्भ में जागृति पर अभियान जो है पिछले एक वर्ष से चला ही रही है, इसी को योजनाबद्ध रीति से आगे बढ़ाने के लिए इस विषय को भी लिया जाएगा। मंदिरों की मुक्ति यानी मंदिर जो हमारे सरकारीकरण के दायरे में लिए जा रहे हैं, मंदिरों की तोड़फोड़ की जा रही है, मूर्तियों की तोड़फोड़ की जा रही है, मंदिरों के धन की और मंदिरों की जो जमीन होती है उसको हड़प किया जा रहा है, तो इन विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको उठाने के लिए एक विशेष सत्र रहेगा। और जो धर्मांतरित हुए जो हिंदू हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं इसके बारे में भी यहाँ पर इस अधिवेशन में विचार मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। इस अधिवेशन में विभिन्न प्रकार के परिसंवादों का भी आयोजन किया गया है। इसमें मंदिरों का सुप्रबंधन यानी मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि हर जगह भी मंदिरों के सुप्रबंधन के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो रही है। जैसे मैं अभी कुछ समय पहले आसाम और मेघालय में गया था, वहाँ पर भी आसाम देवालय संघ हुआ है, वहाँ पर मंदिरों का एक संगठन है।
मेघालय में गया तो वहां पर भी टेंपल सेंट्रल टेंपल कमेटी ऐसी कमेटी बनी हुई है, महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है। तो मंदिरों का सुप्रबंधन, मंदिरों में किस प्रकार से आचारों का पालन करना चाहिए, जैसे अभी चेतन जी ने बताया कि वस्त्र संहिता के बारे में बताया, मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होना चाहिए, मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन भक्तों के हाथ में क्यों होना चाहिए, तो इस प्रकार की चर्चा वहां पर की जाएगी। इसके साथ साथ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है या दायित्व है, यानी राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू स्पीच जो है, ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है या उसका दायित्व है, इसके बारे में वहां पर एक चर्चा करने वाला परिसंवाद का आयोजन रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसको भी अभिव्यक्ति स्वतंत्र बताया जाता है, सर तन से जुदा, इसको भी अभिव्यक्ति स्वतंत्र बताया जाता है, परंतु बाकी चीजों को हेट स्पीच के दायरे में लिया जाता है। जब भी कोई हिंदू ने कुछ बोला तो उसको हेट स्पीच कहा जाता है। तो वाकई में स्वतंत्रता क्या है और दायित्व क्या है, इसके बारे में गंभीर चर्चा होना आवश्यक है। इसके लिए इस विषय पर भी वहां पर चर्चा होगी। ऐसे विभिन्न विषयों पर परिसंवाद वहां पर होंगे, कुछ खुले मंच, जैसे खुला संवाद रहेगा, हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति जिसके बारे में मैंने बताया, वो खुला संवाद रहेगा, इसके बारे में सभी जो उपस्थित थे अपने अपने विचार वहां पर प्रकट करेंगे। और मंदिरों का संगठन किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में खुला संवाद रहेगा, गुट चर्चाएं रहेंगी। और अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले जो मान्यवर हैं, जो हिंदुत्वनिष्ठ संगठन है, जो अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे, वो अपने अपने विचारों को वहां पर रखेंगे। उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है, क्या क्या समस्याएं अपने अपने राज्य में हिंदू धर्म को लेकर या हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के, हिंदू के कानून को लेकर के, क्योंकि इसमें कुछ अधिवक्ता भी सम्मिलित होने वाले हैं, तो सभी प्रकार के विषयों को वहां पर रखा जाएगा। और ये जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रयास दृष्टिकोण से अभी पिछले 11 वर्षों से अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र का आयोजन किया जा रहा है, इससे प्रेरणा लेकर के प्रांत स्तर पर और राज्य स्तर पर भी कई अधिवेशन हुए हैं। तो इस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य को योजनाबद्ध रीति से, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक योजना और कृति की कृति योजना जो है वो इस अधिवेशन में तय किया जाएगा। अब मैं अधिवक्ता श्री नागेश्वर जोशी से प्रार्थना करता हूँ। हिंदू विद्युत परिषद की ओर से पिछले 11 साल से हम इस अधिवेशन में सहभागी हो रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी तो हमारे साथ केवल 10 अधिवक्ता थे और आज 11 साल के बाद 200 से भी ज्यादा अधिवक्ता इस अधिवेशन में, इस महोत्सव में सहभागी होने वाले हैं। 16 राज्यों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी अधिवक्ता इस महोत्सव में सहभागी होने वाले हैं। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के जो लीगल विषय है, सब्जेक्ट है, जैसे कि हेट स्पीच है, सिमिलर जेंडर मैरिज चल रहा है, ट्रेडिशनल लॉ को ओवरलैप किया जा रहा है, और एक हिंदुत्ववादी संगठना और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता के मन में एक विचार है कि उसको एक ड्यूअल समझाता जाए, ड्यूअल समाज में, प्रशासन में, जुडिशियरी में, लेजिस्लेचर में, उसको एक ड्यूअल स्थान है, एक भावना है सभी कार्यकर्ताओं की जिनसे हम मिले हैं, अनुभव भी है वैसा। तो लीगल दृष्टि से एक अधिवक्ताओं का संगठन जो वॉलंटरी कार्य कर रहा है, 11 साल से काम कर रहे हैं हम, तो इस विषय में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इस विषय में हम कोर्ट में जाकर याचिका लगा सकते हैं या कोई अन्य मार्ग से, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है उस हिसाब से हिंदुत्ववादी तो जो प्रश्न इनसिक्योरिटीनेस जो आया है, मिला है, आज भी वो फेस कर रहा है,
उसके ऊपर सॉल्यूशन या उपाय निकालने के लिए अधिवक्ता प्रयास करेंगे और एक आदर्श न्याय व्यवस्था, सभी को न्याय, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। धन्यवाद। जैसे हमें अभी इस अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, मैं सभी को बताना चाहूंगा कि विविध हिंदुत्वनिष्ठ संगठन के प्रमुख, वैसे ही अधिवक्ता, उद्योजक, विचारवंत, लेखक इस अधिवेशन में वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में सम्मिलित होने वाले हैं। वैसे ही संत महंतों के भी विशेष रूप से उपस्थिति इस अधिवेशन में हमें प्राप्त होगी। विशेष रूप से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य से भी, वहां पर काली आश्रम जो है, वहां से भी संत इस अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले हैं। मेरा सभी को, दर्शकों को ये आह्वान है और सभी से आह्वान है कि इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का सीधा प्रसारण हिंदू जनजागृति समिति के जो वेबसाइट है hindujagruti.org तथा यूट्यूब चैनल हिंदू जागृति और फेसबुक @JSHindi1 इस चैनल के माध्यम से इसका सीधा प्रक्षेपण किया जाएगा। इसका वैश्विक स्तर पर सभी हिंदुत्वनिष्ठ और सभी हिंदूवादी विचारधारा के लोग इसका अवश्य लाभ लें, ऐसे हमारा समिति की ओर से आह्वान है। मेरा पत्रकार बंधु से निवेदन है, यदि आपके इस अधिवेशन से संबंधित कुछ प्रश्न यदि है तो आप अवश्य वक्ताओं से पूछ सकते हैं। Goa government has started an initiative to identify temples which were destroyed during Portuguese era and rebuild them. So as Hindu Janjagruti Samiti and as Hindu organizations, what is the kind of real plan to provide any kind of assistance in identifying such temples and sites? निश्चित रूप से, क्योंकि गोवा सरकार ने जब ये आह्वान किया था तो उस आह्वान को हमने बहुत सारे स्थानीय लोगों को बताने के लिए या वहाँ पर ऐसे कौन से मंदिर है तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयास किया है। तो जैसे महर्षि में एक स्थान है कि जहाँ पर अभी उसके रिमेंस है वहाँ पर, लेकिन वो अभी उस दृष्टिकोण से सरकार ने उसके बारे में अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है उसका। तो हमारा प्रयास यही है कि इस प्रकार से जो भी आइडेंटिफाई हो तो उसको हम सरकार के पास देने के लिए प्रयास करें। तो ऐसे कई सारे जगह पर हमारा प्रयास ये चल रहा है कि ऐसे जो आइडेंटिफाई करके जिनको, क्योंकि सरकार की इच्छा है और वो अच्छा वहाँ पर कुछ बनाना चाहते हैं, तो निश्चित ही ये हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार को उस दृष्टिकोण से हम हेल्प करें। नमस्कार। देशभरामध्ये आता समान नागरिक कायदा व्हावा यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर म्हणजे केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे। या अधिवेशनामध्ये या कायदा संदर्भात काही चर्चा वगैरे ठराव वगैरे येणार आहेत का, एक प्रश्न झाला। दुसरा आहे तो गोव्यामध्ये, गोवा हा हिंदूंचा पूर्वीपासून होता, अनेक परंपरा आहेत, पण आता एका फादरनेच सांगितलं की गोव्यामध्ये हिंदूही नव्हते आणि हिंदूचे मंदिरही नव्हते। त्याच्यानंतर खासदार आहेत एका पक्षाचे, त्यांनी त्याला दुजोरा देताना की पोर्तुगीज चांगले होते, त्यांची संस्कृती आम्ही सगळ्यांनी स्वीकारायला हवी, अशी जी काही वक्तव्य केली जातात या संदर्भात या अधिवेशनामध्ये चर्चा होणार आहे का? समान नागरी कायदा, समान नागरी कानून जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार करने का प्रयास कर रही है उससे ज्यादा वो संविधान में पहले लिखा हुआ है और उसके बारे में आज तक मुझे लगता है कि 6 बार ज्यादा समय सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में ये कहा है कि भारत में यदि एक संविधान है तो एक कानून क्यों नहीं है। गोवा मुझे लगता है कि पहला ऐसा प्रदेश है कि जहां पर कॉमन सिविल कोड है। तो मुझे कई बार ये प्रश्न आता है कि गोवा के मुसलमान को कोई कॉमन सिविल कोड का प्रश्न नहीं है, गोवा के ईसाई को कॉमन सिविल कोड का प्रश्न नहीं है, लेकिन जब भी ये बात आती है पूरे देश के स्तर में तो ओबीसी और सबको क्यों चिंता होती है कॉमन सिविल कोड के बारे में?
तो ये इस दृष्टिकोण से है। लेकिन मैं इसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि कॉमन सिविल कोड की जो रिक्वायरमेंट है या सरकार जो करना चाहती है, जब तक उसका ड्राफ्ट नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में कोई भूमिका जो है वो व्यक्त या स्पष्ट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब तक कानून में क्या लिखा है ये स्पष्ट ही नहीं है। केवल हाँ, भूमिका के दृष्टिकोण से कहेंगे तो कोई भी कहेगा कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। क्योंकि ये कॉमन सिविल कोड होगा तो सबसे पहली बात है कि क्या माइनॉरिटी का अपीजमेंट बंद होगा यदि कॉमन सिविल कोड है। क्योंकि आप अभी हज में जाने की बात है, हज में जाना किसी का पर्सनल बात हो सकती है, रिलीजियस बात हो सकती है, लेकिन उसको पब्लिक टैक्स से पैसा लेकर के वो हज यात्रा को ले 846 करोड़ रुपीस आप दे रहे हैं, ये कौन से कानून में आता है? हर जगह पर हज हाउस का निर्माण, अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई, उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चार कोने में चार हम हज हाउस वहां पर बनाएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? क्या चार कोने से हवाई जहाज उड़ने वाला है मक्का जाने के लिए? तो ये जो है, क्या अपीजमेंट बंद होगी? क्या इक्वालिटी वास्तविकता में होगी? आज मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है, कॉन्वेंट में बाइबल पढ़ाया जाता है, लेकिन भगवत गीता पढ़ाने की बात आती है तो भी तो नहीं चलता है। तो कॉमन सिविल कोड इसको इंक्लूड करने वाला है या नहीं करने वाला है? इसलिए कॉमन सिविल कोड के बारे में हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड हो, लेकिन वो फिर वास्तविकता में। तो इस दृष्टिकोण से जब तक ये ड्राफ्ट नहीं आता है तो हम उस दृष्टिकोण से राह देख रहे हैं कि ड्राफ्ट आ जाए तो हम भी सजेशन करेंगे उसके अंदर कि वास्तविकता में कॉमन सिविल कोड कॉमन होना चाहिए, नहीं तो वो हिंदुओं को और दो चीजों में उसके अंदर वो कानून लागू करेगा तो ये नहीं चलेगा इसमें। तो इसलिए बेसिक हमारी जो मांग है वो कॉमन सिविल कोड का जब तक ड्राफ्ट रेडी नहीं होता है, जब तक उसकी भूमिका सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं होती है, तब तक उसको स्वीकारना बहुत कठिन है इसमें। और जो रही बात आपकी पोर्तुगीजों की सत्ता अच्छी थी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस दृष्टिकोण से कमेंट करता है कि पोर्तुगीजों की सत्ता अच्छी थी, तो फिर ये फ्रीडम का आप 18 जून को क्यों यहाँ पर मनाते हैं? तो उनकी सत्ता अच्छी थी तो आप उसको मतलब गोवा की आजादी को इतने समय हो गए और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको आप यहाँ पर फेलिसिटेट करते किस लिए करते हैं? तो यदि कोई भी विदेश की सत्ता आकर के यहाँ पर राज करती है, आपकी भूमिका, आपके धर्म, आपकी संस्कृति उसको नष्ट करने के लिए प्रयास करती है, उसको उस सत्ता को हम अच्छी कैसे बोल सकते हैं, कौन से मायने में बोल सकते हैं? इसलिए ऐसी विचारधारा रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। और जैसे हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग हैं, वैसे गोवा में कोई पादरी हो भी सकता है कि जो पुर्तगाली सत्ता का यहाँ पर उसका गुणगान गा सकता है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उन्होंने फिर पुर्तगाल में जाकर के सेटल होना चाहिए, जब उनको उनकी सत्ता पसंद है तो यहाँ रहने से क्या मतलब है? तो इस दृष्टिकोण से ये भूमिका बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता हो या गोवा की स्वतंत्रता हो, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, उनका त्याग है। और एक तरीके से हमने भारत की जनता को जिन्होंने गुलाम बनाया उनका गुणगान करेंगे, उनकी सत्ता का गुणगान करेंगे, तो फिर ऐसे परिस्थिति में जो ये त्याग करने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स है या स्वतंत्रता सेनानी है, उनका ये अपमान है सबसे बड़ा। उनको सरकार ने उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए कि इस प्रकार से भारत में रह करके आप गुणगान किसी और का गा रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रही है? तो इस दृष्टिकोण से उनके ऊपर एक्शन भी हम लोग डिमांड करेंगे। हम लोगों का तो मानना है कि इस प्रकार से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का जो मर्यादा है वो एक एमपी के माध्यम से उसका दायित्व बहुत ज्यादा होता है। आपको इतिहास, आपकी संस्कृति, आपके पूर्वज लोग, इन सभी के विषय में दायित्व से बात करने की आवश्यकता होती है। और जब राष्ट्र की बात आती हो तो उस समय तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप दायित्व से बात करें। तो मुझे लगता है कि अधिवेशन में तो हमने ये विषय लिया ही है कि इसे हम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कहे या कौन सा अभिव्यक्ति के अंतर्गत में दायित्व आता है, भारत के राजनीतिज्ञों को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें भी हमें सिखाने की आवश्यकता है।
और कहीं ना कहीं हेट स्पीच के विषय में भी, हेट स्पीच जब आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश है यहाँ कि हेट स्पीच के तकरारें दायर होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये केवल आम आदमी के लिए नहीं है, ये भारत के लोक प्रतिनिधियों के लिए भी लागू होता है और ये जिम्मेदारी हमारे राजनीतिज्ञों ने समझने की आवश्यकता है। जब अपनी हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, तो जब बंटवारा हुआ था तो मुस्लिम लोगों के को पाकिस्तान दिया था और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान रखा गया था, ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन क्या ये लीगल उस वक्त कोई अरेंजमेंट हुई थी संविधान या कोई और डॉक्यूमेंट्स में? क्योंकि आज भी 70 साल के बाद हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें और कई बार ऐसा आता है कि जब वो बंटवारा हुआ था तो ऑलरेडी ये हिंदू राष्ट्र है, बट वो फिर उसका लीगलाइज क्यों नहीं हुआ, मतलब उसका कारण क्या है? इसका मूलतः यदि हम देखेंगे तो उस इतिहास को यदि देखेंगे तो उस समय पे जो 588 हमारे यहाँ पर रियासतें थी या प्रिंसली स्टेट्स थे, और उस समय पे यह तय हुआ था कि जो राजा जहां पर जाना पसंद करेगा वो वहां पर जा सकता है, इसके आधार पर ही विभाजन हुआ था। तो भारत जो बना, ये भारत बना, ये बना 563 प्रिंसली स्टेट्स जो है भारत के, जो हिंदू राजा थे जिन्होंने कहा हम भारत में आना चाहते हैं, तो उनके साथ में ये हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि उनके साथ जो एक्सेशन स्टेट का जो एक्सेशन किया गया, उस एक्सेशन की जो कंडीशंस है उनको उस समय के बाद में इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ करके नष्ट कर दिया। उदाहरण के लिए आप काशी नरेश का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ का एक्सेशन रिपोर्ट है, उसके ऊपर बुक बनी हुई है। उस एक्सेशन रिपोर्ट में यह कहा जाता है, कहा गया है, भारत सरकार ने उनको जिसको हम कहेंगे कि मान्यता दी है, तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हिंदू कल्चर का हम संवर्धन करेंगे, काशी के जितने सारे मंदिर है उनका रख रखाव जो है वो भारत सरकार करेगी, काशी में संस्कृत का विद्यापीठ हो, यूनिवर्सिटी हो, उसका व्यवस्था भारत सरकार करेगी, वहां पर जो विद्वान है उनको पुरस्कार देने की व्यवस्था भारत सरकार, ये कहां कर रही है सरकार? तो एक तरफ आपने हिंदू राजाओं को कहा कि हाँ आपकी भूमि और सब हमें दे दीजिए, हम आपकी सब बातें मानने के लिए तैयार हैं, और बाद में ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। फिर आपने अचानक से 1976 में भारत के संविधान में इमरजेंसी लागू किया और भारत को कहा नहीं भारत सेक्युलर है, भारत के किसी राजा का अभी कोई संबंध नहीं, वो कॉमन सिविल एक सिटीजन हो गया भारत का, उसकी सारी चीजों को बंद कर दिया गया। और अचानक से ये कहा गया, जबकि 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के मूल ढांचे में कहीं पर भी बदलाव नहीं हो सकता है, इसको मान्यता मिली। और 3 साल के बाद 1976 में अचानक से संविधान में बदलाव किया, और बदलाव भी कहा किया प्रियम्बल में किया, प्रस्ताव में, तो मूल ढांचा प्रियम्बल ही तो मूल ढांचा होता है, उसके अंदर बदलाव करके इंडिया इज अ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री, तो ये अचानक से सेक्युलर कहां से हो गया? तो इसलिए हमारा यही कहना है कि यदि इमरजेंसी के दौरान ये चेंजेस हो सकते हैं तो भारत की जनता मांग कर रहे तो अभी भी चेंजेस हो सकते हैं, संविधान में अब 125 से ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, तो इसलिए हमारी जो मांग है वो मांग इस दृष्टिकोण से। हाँ, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया तो बाकी बच्चे हिंदुओं का ये हिंदुस्तान है, लेकिन लीगली कहाँ है, लीगली उसकी रिकग्निशन कहाँ है, उसका परिचय कहाँ है? तो इसलिए हम जो मांग कर रहे हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र हो तो केवल नाम के लिए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर रहेगा और हम हिंदू राष्ट्र कहेंगे तो उससे क्या मतलब होगी? तो इस दृष्टिकोण से यदि ये संवैधानिक रूप से सेक्युलर बनाया गया तो संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जैसा अभी आपने कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान में तोड़ मरोड़ कर उसको सेक्युलर बनाया, ठीक है, तो फिर अगर वो तोड़ मरोड़ कर बना दिया, आप अभी कहते हैं कि जनता कुछ करे, जनता कुछ करेगी नहीं, जैसे आप लोगों की जैसे संगठन है उन लोगों ने इसमें इनिशियल लेना चाहिए, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं होगा, जैसे आपने कहा कि आपका एक अधिवक्ता संघ या उनका वो है, तो उसमें कोई लीगल वैसे एक्सपर्ट नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके बारे में वो करे? क्योंकि अगर समझिए कि आप कहते कि वो 1976 हो गई, ठीक है, 1980 के बाद तो सब कुछ ठीक था, मतलब
सो कॉल्ड लोकतंत्र था और जो आज भी है, तो आज तक आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ काम किया है उस लेवल पे? इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा, वास्तविकता में अभी सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में जनहित याचिका चल रही है, चार जनहित याचिकाएं चल रही है अभी। एक उसमें अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की इसी बात के ऊपर, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी की एक्सेप्ट की है। तो वास्तविकता में इसके बारे में काम चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि जितने जल्दी जजमेंट बाकी सब समस्या में आते हैं कि समलैंगिकता का मुद्दा, हमारे यहाँ पर 6 जजेस को आप बेंच बैठता है और समलैंगिकता के मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है। सच्चर कमीशन का हमारा पिटीशन है 3.5 साल से पेंडिंग लिस्ट में है वहां पर। ये जो भारत के संविधान के आधार पर क्या होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव किए गए, बदलाव की बात हम देखते हैं वो पेंडिंग 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 में चल रहा है। तो जब वास्तविकता में सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज मांगी जा रही है तो उसकी प्रधानता को देखना चाहिए, उसकी देखना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि ये केसेस है वहां पर लेकिन पेंडिंग लिस्ट में है, उसकी कोई प्राथमिकता नहीं बन रही है। तो इसलिए इन चीजों को यदि प्राथमिकता पर सुना जाएगा तो ऐसे चीजों का जजमेंट भी आ जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति यही कर सकता है, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम संगठन कर सकते हैं, हम अधिवेशन ले सकते हैं, हम भारत के पूरे हिंदुओं को एक दिशा देने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है कि वो जजमेंट दे, वो यदि उसके अंदर वो समलैंगिकता को प्रायोरिटी है और पूरे भारत की समस्या है उसके बारे में कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर कैसे होगा? क्या आप मानते हैं कि सिनेमा एक सशक्त माध्यम है? कश्मीर फाइल के बारे में अभी आपने जिक्र किया था, ये कश्मीर फाइल, फिर उसके बाद केरला स्टोरी या उसके आगे पीछे की कुछ फिल्में आई थी, वो आने के बाद क्या हिंदू संगठनों को कुछ लगा कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए? नहीं, इसी दृष्टिकोण से तो कहा ना, इस प्रकार से अभी 72 हूर आ रही है, अजमेर का अजमेर फाइल से वो अजमेर के बारे में जो हुआ वो आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उस क्षेत्र के जो व्यक्ति है, जो उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करना जानते हैं, तो ऐसी समस्या, और इसी के लिए मैंने कहा कि अधिवेशन में, क्योंकि ये गोवा में हो रहा है, तो गोवा के बारे में जो हुआ, गोवा का इतिहास जो घटा, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैंने गोवा फाइल्स के बारे में चर्चा की। मेरा सवाल ऐसा है कि अगर आपको अभी ये, अगर आप मानते हैं कि सिनेमा सशक्त माध्यम है जिसका हम लोग एक सकारात्मक उपयोग कर ले सकते हैं, जो कि आपका मिशन मैं कहूँगा, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर फाइल कैसे बनी थी? पता है आपको? अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको मैं बता देता हूँ। विवेक अग्निहोत्री, जिसका बहन हुई यानी उसकी वाइफ का भाई, जो अमेरिका में है, जो मेरा बचपन से क्लासमेट है अलंकार, जिसको हम लोग मास्टर अलंकार नाम से जानते हैं, वो तकरीबन 4.5 साल उन लोगों के लिए वहाँ पे अमेरिका में हिंदू संगठनों को जमा करके, उनको जो 6 करोड़ रुपए चाहिए था तो वो जमा कर रहे थे। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि वो भीख मांग रहे थे 4.5 साल। इतने सारे हजारों लाखों संगठन हैं, ठीक है, मैं काफ़ी सारे ग्रुप में जुड़ा हूँ, गली गली में कोई ना कोई संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सो कॉल्ड है। तो क्या ये हिंदू संगठनों का ये दायित्व नहीं है? क्योंकि ये आपका मिशन है, जनता को छोड़ दीजिए, ठीक है। मुझे लगता है दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, फिल्म कैसे बनी, क्या बनी, ये अलग अलग मुद्दे है। मैं भी कश्मीर के, अभी आप जब बात कर रहे हो कि गोवा फाइल बननी चाहिए, कौन बनाएगा? तो वही तो चर्चा तो होगी, हिंदू जन जागृति समिति उसके लिए फंड देगी क्या? मैं वही कह रहा हूँ, चर्चा तो होगी ना, अब कोई तो उस दृष्टिकोण से होगी नहीं, ठीक है। अभी देखिए, आपको पता है कि अभी जो अजमेर के ऊपर जो फिल्म बन रही है, उस डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी है, विवेक अग्निहोत्री YZ सिक्योरिटी लेके चल रहा है। तो मतलब अगर इस तरह से अगर कोई काम करता है तो मेरा, मैं सिर्फ फिल्म के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, हेट स्पीच, ठीक है, हेट स्पीच यानी वो उसको जो डाला है, तो दे आर ऑल्सो लाइक रिप्रेजेंटिंग यूर मिशन इनडायरेक्टली, वो आपके मेंबर्स नहीं है, फिर भी वो आपकी कोई भाषा या आपकी बातें उस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं या ये सब करने वाले हैं, उनके लिए आपके पास कोई बैकअप प्लान है क्या उनको सपोर्ट करने के लिए?
सिंधिया आप लड़ते रहो और हम संगठन चलाते रहेंगे, मतलब एक मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए कैसे है, संगठन का कार्य यही होता है कि संगठन व्यक्ति को पुष्ट करता है, संगठन व्यक्ति को सपोर्ट करता है, ठीक है। एक व्यक्ति से बड़ा संगठन इसीलिए होता है कि व्यक्ति कोई समस्या में आता है तो संगठन उसकी सहायता करता है। इसी दृष्टिकोण से तो प्रयास है और इसी दृष्टिकोण से तो ये चर्चाएं होगी। तो ये जो कहना है कि इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं इसमें, तो आज बहुत सारी चीजें हैं कि कश्मीर फाइल्स के बारे में कितने सारे शोध जो है हिंदू संगठनों ने आयोजित किए, कश्मीर फाइल्स का जो पूरा प्रमोशन है वो हिंदू संगठनों ने किया, कश्मीर फाइल्स के बारे में जन जन तक जाकर के लोगों को बताने के लिए प्रयास हिंदू संगठनों ने किया। तो एक केवल फिल्म को कोई स्पॉन्सर करता है और उसके बाद ही वो सारी चीजें होती है, ऐसे तो नहीं होता है, हर कोई अपना अपना शेयर करता है। तो जैसे जिसके पास धन है, हम वही कहते हैं कि राष्ट्र कब समर्थ होता है, जिसके पास जो चीज है वो देने से होता है। कोई धन दे सकता है, कोई श्रम दे सकता है, कोई उसके लिए अपनी एनर्जी दे सकता है, कोई वो बाकी सारी चीजें कर सकता है। तो वैसे ही एक फिल्म सक्सेस हो गई उसके लिए एक ही चीज केवल उसके अंदर थी, ऐसे नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी। तो इस दृष्टिकोण से गोवा फाइल्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति वहां पर आने वाले हैं वो फिल्म लाइन से है, वो सामाजिक लाइन से है, वो गोवा के इतिहास के क्षेत्र के लोग हैं, तो सब मिलकर के बैठेंगे, तय करेंगे, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। तो ऐसे नहीं होगा कि बगैर किसी प्लानिंग के ये हो सकता है, तो इसलिए प्लानिंग होगी। अब सारी बातें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं यहाँ पर तय होगी, तो इसलिए ये प्लानिंग होगी, तय होगा, हिस्टोरियंस आ जाएंगे सारे जो है, तो ऐसे सभी को हमने वहां पर आमंत्रित किया है, चर्चा होगी वहां पर, और चर्चा होने के बाद फिर आगे की दिशा तय होगी। तो इसलिए हर किसी को अपने अपने लेवल पर ये करना भी पड़ता है इसमें, यानी ऐसे नहीं है कि वो अजमेर फाइल्स बनाई तो उसको थ्रेट आ गई इसमें। तो थ्रेट तो हमारे भी बहुत सारे कार्यकर्ता को, हमने केवल हिंदू राष्ट्र के नाम पर सभा की तो हमारे कार्यकर्ता को कम से कम 100-150 कॉल्स आ गए फॉरेन से कि हिंदू राष्ट्र के आप कैसे यहां पर मैंगलोर में बात कर रहे हैं। तो हर किसी को ये एक वॉलंटरी वर्क है और यहां पर आपको उसी एंगल से काम करना पड़ता है। वास्तविकता में मेरा तो प्रश्न ये है कि हमें ये सोचना चाहिए, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कोई फिल्म बनाना, तो प्रश्न इसके बारे में उठाना चाहिए कि उनको थ्रेट देने वाली कौन सा समाज है, उसके ऊपर क्यों नहीं आक्षेप लिया जा रहा है कि यदि वो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर रहे हैं तो उसको थ्रेट देने वाले लोग कौन है। वो जेड सिक्योरिटी लेने से भी पहले ये तो जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे थ्रेट देने वालों को पहले उठा करके अंदर डालो। सर तन से जुदा के इतने बड़े मोर्चे निकाले गए, आप नुपुर शर्मा को केवल सिक्योरिटी दे करके रहेंगे, इससे तो नहीं होगा ना। तो यही बात इस अधिवेशन में हम जो करने वाले हैं और जो अधिवक्ता यहाँ पर है उन्होंने वही बात की कि केवल चर्चा नहीं होती है, उसका एक प्लानिंग होगा, उसके ऊपर कैसे हमें नीति निर्धारण करना है, कौन उसके बारे में कोर्ट में जा सकता है, कौन संगठन के लेवल पर काम कर सकता है, कौन सरकार को बता सकता है, ये पूरा एक नियोजन होगा। और ये नियोजन के बाद ही हम जो क्या तय हुआ है ये आपको हम बाद में बता सकते हैं। इसलिए ये अधिवेशन की बेसिक जानकारी देने के दृष्टिकोण से है। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अधिवेशन का जो सुबह का सत्र होता है 9 से 12 के दरम्यान का, तो ये सत्र सभी के लिए खुला भी रहता है, तो पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। वहां पर आपके सामने चर्चा होगी, तो उन चर्चाओं में आप स्वयं देख सकते हैं कि जो वहां पर आने वाले अधिवक्ता है या जो वक्ता है, तो वो अपने अपने अनुभव को वहां पर व्यक्त करेंगे। और साथ में भी ये भी प्रयास ये रहेगा कि उसको हम आप पत्रकार वार्ता के साथ हम आप सभी को उनसे एक मुलाकात करवाए। तो एक दो दिन में हम ये प्रयास करेंगे कि वहां पर जो आने वाले व्यक्ति है या गणमान्य ये जो है, तो उनके साथ एक मीडिया का इंटरेक्शन हो, तो उस दृष्टिकोण से कौन से विषयों पर वक्ता रहेंगे, तो उसकी भी जानकारी हम सारे मीडिया को देंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार।